राजा थे महाराजा थे, बड़ी दुनिया में हुआ इंसान का हर तो नौजवान का नौजवान नौजवान को पागल कर होता वो चाहे जवान लड़का है या लड़की है या क्या है, आदमी और मर्द के बीच में नौजवान और बेटे के बीच में मोहब्बत हुई क्या होगी? गाड़ी भेजने वाला सब लोग आप निर्माण लोग कोई मोहब्बत का यानी वो पूरे आलम देखने का ये मोहब्बत जिंदा यानी सबसे ज्यादा वो घड़ी लगी मोहब्बत जिंदा बाद जिंदा बाद जिंदा जाया क्या बात है मोहब्बत अगर हिंदुस्तान का यहाँ बहुत बड़ी तादाद है, ये जो क्या कहते हैं अमन भाई बच्चे, अमन भाई बच्चे हमारे गुजरात में 3 दिन तक विवाद हुआ है, क्या हुआ है लोकशाही लोकतंत्र के लिए इसमें किसी एक आदमी के सबसे ज्यादा संघर्ष किया उसका नाम अमन भाई और उस जग में यदि कोई एक आदमी है यार रखना हिंदुस्तान के ईमान का ही बसता है वो कोई संपत्ति और किसी चीज से नहीं है उसका सम्मान में जो आदमी का हुआ है यार संविधान में लिखा हुआ है पांचवा शेड्यूल जो है वो मैदान के लोगों का और छठवां शेड्यूल जो है वो पहाड़ों वाले 70 वर्ष की आजादी वही दुनिया भर की दौलत है हिंदुस्तान की दौलत यदि कहीं है तो जहां आदिवासी है वही 11 करोड़ है चल जंगल और जमीन बचा कर जो जंगल पल पल की सांस चाहिए तो जंगल को बचाया जाए तो हिंदुस्तान में है वो आएगा क्या हालत है उसकी वो सुनेगा और ये गुजरात का जो संग्राम हुआ उसमें एक प्यादे से एक और था छोटू भाई का
पूरे देश भर में मेरे घर में 70 आदमी टीवी देख रहे और मन में उनके यही आशी कहीं हेमंत पटेल साहब ने मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बीच किसी आदमी के मन में नहीं आया इसकी जात क्या है इसकी जाति क्या है आदिवासी सारी गौरव उसके पास है उसे नर्सल पास के नाम से और नाम से पता है किसके नाम से कल्याण गंगा जी सारा जीवन का जो होगा उसका जीवन ये सब शुरू नाल में नहीं होते बाबा साहब ने उसी में जन्म लिया इतनी तकलीफ इतना ज्यादा उपेक्षा हर तरह से उन्होंने कोशिश की थी जो हिंदू प्रकृति की जात व्यवस्था सुधर जाए लेकिन जब संविधान बनाया तो सबके लिए बनाया जो यहां पिछड़े लोग हैं याद रखना तुम्हारा ले जा महात्मा तुम्हें था उसको किसी आदमी ने गुरु बनाया तो वो दलित था जिसका नाम बाबा साहब किसको गुरु था किसी जात के लोग जात का गौरव करते हो दलितों के साथ दर्शन करवा नहीं करते हमारे लिए आपके लिए बाबा साहब ने किसको गुरु था और किसको नहीं था आत्मा गुरु मुझे तो कहा कि हमारा एक उनका मकसद था ये वंचित समाज के लोग ये राजनीति यार मरे जानवर का खाल निकालना तो लोग उसकी खाल ये बेहुदा आंध्रा का रोहित उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कोई आदमी मेरा पास सत्ता लेके आप क्या कर रहा है इसको सरकार से बनाकर अरे बाबा साहब संघर्ष करते करते कभी आए नहीं 70 वर्ष की आजादी है रोहित बिरला कहता कि मेरा जन्म ही नहीं अपने जन्म से रुका हुआ होगा किसी भी जगह पूछ मेरी जात में जो है मैं जहां गया हुआ हूं उस तक हो बच्चे संस्कार हैं उन्हें लोग भगवान हैं हवलदार आप शिक्षा चाहते हैं और दलित मान लो दिन सेना बना ले सरकार सब सेना बनते और नहीं तो स्वीप सेना के लोगों के साथ बना लो सारी छोटी जल गई कहा जल गया जब इधर क्या बना रहा और जेल में बनने के बाद देख रहे बात नहीं ये सारा विनाशन जो है संविधान की हक कहती है ये साफ कहती है कि जो वंचित है उसे गले लगा के आगे बढ़ा नहीं तो कोई विपत्ति नहीं हो सकता अच्छी बिजली आ रही और याद रखना ये जो मैंने सारे देश के मैं आपको कहूं कि कितने तेरी जिंदगी में मैंने फोन कभी लिया लोगों को लगता है कहीं मंत्री ना बन जाओ देश ऐसा है नारे से भरा हुआ ये बाजार में नारे से लाज जाती है बाजार तो आता लेकिन हमारी परंपरा है त्याग की तपस्या की नैतिकता की इतने फोन आए सबको चिंता थी कि कहीं है आप सब कुछ होता है प्रसन्न रहना अंदरे अंदरे इतनी संख्या ऐसा मन लोगों का देश है सारे देश में किसान एक
इंजन के नाम से मेरे गांव का एक का प्रसंग होता है।